हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूँ आपके टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के डायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं बोलूंगा, जिसमें आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। सेमेस्टर 5 में आपका अगर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आप मुझसे पूछोगे तो मैं डायरेक्ट टैक्सेशन को ही बोलूंगा कि डायरेक्ट टैक्सेशन के थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास मीन्स कॉमर्स सेक्शन, आप बोल सकते हो कॉमर्स सेक्शन से लेके आपको ग्रेजुएशन में, मतलब ग्रेजुएशन तक की कंप्लीट वीडियो, सब्जेक्ट, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने पॉसिबल हो पाते हैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपके फ्रेंड सर्कल में, अदरवाइज कॉन्टैक्ट में जो भी बच्चे रहेंगे कॉमर्स सेक्शन को, उनको इस, आप क्या करें, चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि उनको भी कॉमर्स वाले बच्चों को बेनिफिट्स मिले जो भी 12th क्लास में होंगे, अदरवाइज ग्रेजुएशन में होंगे वो। तो बात करेंगे आपके डायरेक्ट टैक्सेशन का, सिलेबस अच्छे से समझ रहे हैं, देन उसका पेपर पैटर्न कैसा पूछा जाएगा वो भी ध्यान से आपको समझ रहे हैं। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सिलेबस में आपको 5 चैप्टर्स दिखते हैं, ये याद रखना 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, सिर्फ 5 पार्ट में ऐसा हेड वहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन किया गया, बट ये 5 चैप्टर्स नहीं है। ध्यान से समझना सिलेबस क्या बोला। पहला तो बेसिक टर्म, बेसिक टर्म मीन्स आपको यहाँ पे टोटल समझाया जाएगा डायरेक्ट टैक्सेशन कब से अप्लाई हुआ, क्यों है, क्या है, एंड प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, एसएससी क्या है, मतलब सबका डिफाइंड मीनिंग थोड़ा सा पार्ट समझाया गया। ये आपका बेसिक हो जाता है। तो बेसिक मतलब थोड़ी सी बोलते ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक तरीके से बोल सकता हूँ उसके बारे में डिटेल है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बनेंगे, ये भी मैं बता दूँ, ये कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है, ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट बात करेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ से बात करूँगा तो 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से अच्छे से समझना है। 20 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा, 10 मार्क्स का बनेगा। कैसे? ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बंदा रेसिडेंशियल स्टेटस उसका क्या है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड चीज़ पूछी जाती है जो वहाँ पे टैक्सेबल वाली इनकम, टैक्सेबल इनकम कैसे आप वहाँ पे दिखाओगे। तो यहाँ से 10 मार्क्स का बनेगा, आपको बस ध्यान में रखना है। अगर इनकम टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन का सिलेबस हमारा चालू हुआ तो उसमें आपको समझाया जाएगा ये 20 मार्क्स कहाँ पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। अब आपका यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया गया हेड्स ऑफ इनकम, बट आप टोटल जब ये पढ़ोगे तो इसमें मेन 5 चैप्टर तो आपको यही दिखेंगे। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर, मैं आपको मेंशन भी कर दे रहा हूँ, 5 चैप्टर्स टोटल है। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, ध्यान से रखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हमारे हाउस प्रॉपर्टी इनकम, थर्ड हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हमारा कैपिटल गेन, एंड लास्ट अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। 5 चैप्टर्स है, इसीलिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछे ही जाएंगे। डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, ये मैं बता दूँ यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, मैं मेंशन करते चलता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे। प्लस इनका डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम अगर आप करते हो तो उसका बेनिफिट आपको हेड्स ऑफ इनकम में मिलेगा, और डिडक्शन ऑफ टोटल इनकम आपको करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाओगे तो ये जो हेड्स ऑफ इनकम के टॉपिक्स हैं उसमें कंप्लीट पूरा मार्क्स आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक या दो डिडक्शन तो वहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। लास्ट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। अब थोड़ा सा यहां पे समझेंगे पेपर पैटर्न, अब हम लोग यहां पे समझेंगे पेपर पैटर्न क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी ऑब्जेक्टिव सेम वही चल रहा है आपका, ऑप्शन मिलेगा आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चंस कवर करने ए बी करके। अब इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड हमारा ट्रू फॉल्स हो सकता है, थर्ड हमारा मैच द पेयर हो सकता है, अदरवाइज फिलअप हो सकता है, 4 में से कोई भी 2 पूछा जाएगा, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान से थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन नंबर 2 ए अदरवाइज बी,
कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब ये जरूरी नहीं कि कंटिन्यू सीधा 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन बन जाए, चेंज करते रहते हो लोग। 10-10 मार्क्स से दो क्वेश्चन कर सकते हैं, 15-5 का पूछ सकते हैं, जो पैटर्न है वो मैं बता रहा हूँ। 20 मार्क्स का बहुत कम चांसेस रहता है सीधा क्वेश्चन बने, क्योंकि इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, मतलब इतना बड़ा कोई टॉपिक ही नहीं है 20 मार्क्स उसका वेटेज बन जाए। बट अगर आ जाता है तो आपके लिए बेनिफिट से ईजी है, बट मैं बता रहा हूँ आपको 10-10 मार्क्स का मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब ए और बी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे जो है, यहाँ मेंशन कर दूं मैं, इनकम फ्रॉम सैलरी टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। और सेकंड इसका जो ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको दिखेगा। तो सैलरी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी कर लो, दो में से कोई एक ही करो। जब अगर जो बंदे स्कोरिंग अदरवाइज पासिंग का देख रहे हैं तो उनको यही सजेशन दिया जाता है, आप दोनों टॉपिक मत करो, क्योंकि सैलरी के ऑप्शन में सैलरी ही दिखता है, अदरवाइज कुछ चेंज करें तो सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी दिखेगा और कोई चीज नहीं आने वाला, ये चीज आप फिक्स रख लो। तो बेस्ट क्या है, सैलरी कर लो, अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी कर लो, जो आपको इजी लगता है आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सैलरी के ऑप्शन में सैलरी एक बार आ गया था तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट सैलरी के ऑप्शन में हाउस प्रॉपर्टी पूछा जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 हेड्स ऑफ इनकम का पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये चीज ध्यान से समझना है। जब मैंने 5 हेड्स ऑफ इनकम की बात किया, पहला चैप्टर सैलरी बताया, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर आता है। सेकंड मैंने हाउस प्रॉपर्टी बताया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। थर्ड मैंने बताया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक ही चैप्टर है बट उसमें दो अलग अलग पार्ट है, एक हमारा होता है बिजनेस, एक हमारा होता है प्रोफेशन। तो एक क्वेश्चन बिजनेस का आएगा, उसके ऑप्शन में प्रोफेशन का आएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक आइडिया चल गया, या तो मैं बिजनेस अच्छे से कर लूँ, अदरवाइज मैं प्रोफेशन अच्छे से कर लूँ, दो में से कोई एक अच्छे से कर लूँ, आपका 20 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। हाँ, यही एक टॉपिक है जो डायरेक्टली 20 मार्क्स का पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। यही एक मैं बोलूंगा है जो 20 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा और बाकी के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिखेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यहां पे दिखेगा। ऑप्शन में आपको दिखेगा कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कर रहे हो, कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम कर रहे हो, अदरवाइज कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस ऑफ कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है आप क्या करते हो। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ए बी करो, 10-10 मार्क्स का। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 10-10 मार्क्स का जो है ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, अभी तक तो फिलहाल यही फॉर्मेट था। 10-10 मार्क्स से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 20 मार्क्स तो आपको ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, इजी मतलब 2-3 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाता है, ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब 20 मार्क्स तो ये वाले आपको इजीली तरीके से मिल जाते हैं। ऑप्शन में क्या दे रहे, शॉर्ट नोट्स दे रहे, बट यहाँ पे हमेशा नहीं है, हमेशा कंपलसरी नहीं है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस ही पूछा जाएगा। यहाँ पे कभी कभार क्या करते हो लोग, लॉन्ग आंसर पूछ लेते हैं, 10-10 मार्क्स जिसका वेटेज है, अदरवाइज उसके ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको दिखाई देगा, एनी 4 out of 6 ऑप्शन दिखेगा। बट आप ट्राई करना अच्छे से रेसिडेंशियल स्टेटस करके आना, बट क्योंकि ज़्यादा टाइम हमेशा, तो मुझे जहाँ तक पता है कि हमेशा यहीं से क्वेश्चन बने हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 10+10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बना है। अच्छे तरीके से पेपर पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, लिमिटेड चैप्टर ही पढ़ने हैं। चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे सैलरी पढ़ लो आप, अब जरूरी नहीं हाउस प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हाउस प्रॉपर्टी भी इजी लगता है, तो आपके ऊपर डिपेंड है सैलरी कर रहे हो कि हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हो। बिजनेस या फिर प्रोफेशन, मतलब एक चैप्टर का पार्ट कर लो, या तो बिजनेस अच्छे से कर लो या फिर प्रोफेशन अच्छे से कर लो। एंड क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कर लो, वो नहीं जम रहा तो कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस कर लो, कैपिटल गेन का वेटेज ज्यादा रहेगा यहाँ पे, अगर आएगा तो जैसे
15 5 का रहता है या फिर 10 10 का रहता है। तो कैपिटल गेन ऑलरेडी एक इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड लेवल बीकॉम वालों को नहीं पूछा जाता है। फिफ्थ में आप क्या कर रहे हो, रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट कर रहे हो, 10 प्लस 10। तो टैक्सेशन में देखो लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स की आपका सिलेबस हो जाता है। एंड स्कोरिंग भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा अकाउंट्स में होता है कि आपने पोस्टिंग कर दिया तो कुछ नंबर मिलते, सेम यहाँ पे भी है। जितना आप स्टेप लेके जाओगे, जितने चीजें आप पोस्टिंग वहाँ पे कर दोगे, उतना नंबर आपको टैक्सेशन में मिल जाएगा। जो आपने एडलेस में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ रहेगा, जैसे डिडक्शन में नहीं आइडिया होगा आपका, तो उसका नंबर कटेगा, बाकी कंप्लीट आपको नंबर टोटल मिलेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन में। फिर भी आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन आपका अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो उसके बारे में भी आपको भी, जो भी डाउट आपका रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज कमेंट में ही आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड कॉमर्स सेक्शन के जितने भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में हैं, कॉलेज ग्रुप में हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हर बच्चों को इस चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।